अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस गाइस गाइस, जैसे कि आप सब लोग को पता होगा, PUBG मोबाइल में एक नया और सही चस वाला इवेंट है। वो इवेंट हम लोग अपडेट करके आ जाते हैं इवेंट में। अभी हम लोग यहां पे लेवेक लगा देते हैं, सोलो गेम प्ले होता है। M249 मिल गई, ये तो भाई लड़क गया। फाइम को तो हम लोग भेज देते लॉबी। आए हाय, किस्मत इसकी अच्छी थी। खैर गाइस, ये अपडेट जो है करना बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। गाइस आप लोगों ने क्या करना है करना, कि जैसे ही आप लोग लिविक मैप लगाओ करना, आइस बोर्च के पास आपने जाना है। वहाँ पे एक स्नोवी विलेज लिखा होगा, इस साइड पे टॉप की साइड पे आपने आना है। और अगर आप स्क्वाड के साथ, एक मिनट, वड़ गया गाइस, अगर आप लोग स्क्वाड के साथ खेलो खाना, तो दो बंदे इधर खड़े कर देना, जिधर अभी मैं खड़ा था, जिस बंदे को अभी मैंने मारा है, दो बंदो इधर खड़े हो जाओ और दो बंदे ये सामने वाली साइड पे खड़े हो जाना। बस ऊपर अगर सर्वाइव कर लिया का ना, बस इवेंट पे तुम्हारा किल ही किल होंगे फिर, ठीक है। खैर अभी यहाँ पे हम लोग सोलो खेल रहे थे। अब यहाँ पे एक बेल होती है, इसको आपने ना रिंग करना है। रिंग कर दोगे अब ये पत्नी आवाजें आएंगी थोड़ी देर, पता नहीं क्या हो गया। रुको एक मिनट, ठंडा आ गया, ड्रॉप भी आ गया हमारा। ये बेल जब रिंग करोगे करना, ड्रॉप आ जाएगा 15-10 सेकंड। इस बंदे में तो लग जाती है आग और हम इसको भी मार देते हैं। अब जैसे इसको हम लोग मार दे, 3 किल हो जाते हैं हमारे। पहले तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि इधर तो कोई आ नहीं रहा। खैर कोई भी नहीं आ रहा, लूट अप करते हैं क्या मिले। ओ यार गाइस बात सुनो, ये अभी कुछ भी लूट नहीं है। अच्छा ये कुछ भी लूट नहीं है, इसमें आपको दुनिया की सारी गन, MG3 हो गई, MK हो गई, AWM हो गई, MR हो गई, इसमें मतलब आपको जो है इस ड्रॉप में हर गन मिलेगी। अभी तो मुझे सिर्फ ठीक ठाक ग्रोजा मिली है यार, और क्या चाहिए जिंदगी में आपको, ग्रोजा सही चस वाली गन है। खैर यहाँ पे हम लोग लूट शूट कर लेते हैं, तो अब हम लोग जाते हैं दोबारा से बंदों को मारने। अब यहाँ पे तो मैं सबसे पहले ये टीका लगा देता हूँ। बंदा आ गया, ड्रॉप टूटेगा। अबे कैसे नहीं मरा? Marked a location. F16 यार बदला लूंगा, कुछ भी हो जाए बदला लूंगा। खैर गाइस अभी हम लोग रिकॉल हो जाते हैं, दोबारा आते हैं F16 से, तो यार बदला ना लिया तो बेटा फिर मेरा नाम भी ग्लोबो नहीं है यार। और गाइस हाँ, जो सबसे मेन बात है, मेन वो ये बात है क्या ना, एक मिनट, इसको हम लोग मार देते, रिवेंज डन, रिवेंज किंग बोलती। खैर गाइस इसको हम लोग मारते हैं। और दूसरी जो मेन बात अभी मैं करने वाला था, एक तो ये मेन बात है कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, इधर आप लोग बैठ जाओ, कैंपरों के लिए सबसे ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यार यहाँ पे भी कोई बंदा जिंदा है या रहता है इधर, ठीक है। जहाँ पे अभी मैं हूँ करना है, बस यहाँ पे आपने रहना है, ठीक है। और दूसरी बात गाइस, जो बात ये है कहना कि मैंने साइको से अपना नाम ग्लोबो में चेंज क्यों किया, तो गाइस रीज़न ये है कहना कि साइको का जो नाम है ना, वो बहुत सारे लोगों ने रखा है, तो मैं कोई यूनिक, एक मिनट बंदे को मारते, वैसे 1 HP रह गए, चल भाई तू तो निकल। खैर गाइस बात यह कहना कि साइको नाम मैंने इसलिए हटा दिए, ग्लोबो रख दिए, क्योंकि ग्लोबो यूनिक नाम है, और इसलिए ही मैंने अपना नाम चेंज करके ग्लोबो रख दिया। तो ये रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं है कि मैंने अपना नाम क्यों चेंज किया है ये वो, ओके। तो खैर गाइस अभी यहाँ पे हमारे 5 किल हो जाते हैं। और वैसे भी यार मैंने आपको कहा क्या ना, ऊपर रह गए तो ये बस पूरा इलाका तुम्हारा है। और स्क्वाड के साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेलो का ना, तो बेटा फिर चस है ये मैप, फिर ये इवेंट ही तुम लोग के लिए आया हुआ है, ये स्क्वाड के लिए इवेंट आया हुआ। और अगर आप लोग रैंडम के साथ खेल रहे हो, अगर आप लोग तंग होते हो रैंडम से मेरी तरह, तो आप लोग सोलो में भी खेल सकते हो। सोलो में तो ज़बरदस्त है, चस वाला सीन है। अब गाइस यहाँ पे सामने भी फायर होती है, और इस घर में मुझे शक होता है। आवाज़ आ गई, खत्म।
मुझे पता था यार, मुझे शक हो जाता है। खैर अब मैं बाहर नहीं जाता क्यों, मुझे पता है बंदे को मेरी लोकेशन का पता चल गया। देखा मैंने कहा नहीं यार रिस्क नहीं लेते अभी, रिस्क तो बिल्कुल भी अभी नहीं लेना। खैर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे भाग जाता हूँ, भागता नहीं हूँ, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे यार सही एंगल मैंगल भी सही नहीं मिल रहा था कि मैं मतलब। ओ भाई तेरी ऐसी की तैसी बगैर था, ये कोई रिकॉल हो क्या है? आवाज आ गई पत्थर के पीछे। बड़ा गंदा नहीं मारा, 1 HP छोड़ दिया बगैर था ने मुझे, RB है वैसे भी। खैर यहाँ पे तो हम लोग कुछ ना कुछ करके बच जाते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग बच जाते हैं चीजें मीजें कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अभी भी वो बंदा तो जिंदा है, उसको तो मुझे पता है, मैंने कह रहा चलो उसको मारते हैं। ओ देख लिया, अब गाइस देखो इसके साथ कौन सा स्कैम होने वाला है। ये बंदा यूज कर रहा था स्नोबोर्ड जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए सिर्फ प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं। और गाइस मैं आप लोग को अभी से ही बता रहा हूँ, अगर आपने ये स्नोबोर्ड यूज करना है तो ये आप अपने रिस्क पे यूज करो, क्योंकि इससे अगर सामने वाला तगड़ा प्रोफेशनल स्प्रे वाला बंदा हुआ, प्रोफेशनल प्रो प्लेयर हुआ मेरी तरह, तो आपको भटका देगा। अगर आप प्रोफेशनल हुए इसमें स्नोबोर्ड में तो आप उसको भटका दोगे, ठीक है? तो खैर गाइस यहाँ पे अभी हम लोग निकल जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे अभी हम लोग बैठ जाए क्योंकि सामने गाड़ियां लगी होती है, फायरिंग मायरिंग होती है, और लोकेशन मुझे अभी भी सही नहीं पता। अच्छा अब नजर आ गया, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, बहुत बुरा। अब ये कर रहा होता है नेट सामने वाले घर में, मैंने कहा चलो यार बंदा शंदा होगा इसीलिए कर रहा है, मैंने कहा चलो घुसते हैं। स्मोक भी हुआ इधर, नेट पहले फेंकते हैं हम लोग भी। पीछे से आवाज आई, ये बोट है मेरे ख्याल से, यार रियल है, नोप बोट ही था। खैर यहाँ पे गाइस अभी हमारे 10 किल हो जाते हैं, कितने 10, और हम लोग आ जाते हैं अभी इस बिल्डिंग में, अभी जल्दी से चलते हैं। अब मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे बंदा कैंप कर रहा है, बहुत ही गंदा मारेगा, पकड़ा गया क्या ना इसके हाथ पे। और यहाँ पे तो वैसे भी नॉक वाला सीन होता ही नहीं है। लेकिन मैं होता हूँ गलत, ये तो इधर ही मरा हुआ है ना, फिर वो क्यों निडे कर रहा था फिर क्या बता। हाँ गाइस ये जो स्नो ब्लास्टर है ना, स्नोबॉल ब्लास्टर, ये आप लोग ने लेना है, इससे आप लोग सही चस वाली कहना चस वाला स्नोमैन बना सकते हो। इंसानों को बोट मिल जाएगा ना, उस पर आपने एक दो फायर मारनी है, वो स्नोमैन बन जाएगा और आप लोग उसको आराम से मार सकते हो। ये रियल पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो भी एहतियात में अपने रिस्क पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? अब गाइज यहाँ पे हमारे 10 किल हो जाते हैं और यहाँ पे बंदे रह जाते हैं सिर्फ 3। मैंने कहा चलो यार फुल चस वाला चिकन डिनर होगा, चिकन डिनर होगा, जबान भी बढ़ गई।
अब गाइस मैंने कहा चलो यहाँ पे होता है खोता, जो कि आपको इवेंट पे भी मिल जाएगा। खोता तो ठीक है, मतलब स्पीड तो इतनी खास नहीं है लेकिन ठीक है बस। लेकिन वही है कहना, स्पीड अगर होती तो भी ठीक है। अब ये ओ भाई पीछे भी बंदे सामने, वो कैंपर क्यों ला दे, सारी तीन की तीन कैंपर है। खैर इस पे पुश करते हैं सबसे पहले। ये क्या हुआ है माने इसकी, ये ओए कैंप हैकर से क्या था, बगैरत की औलाद, इसने तो मुझे बहुत जल्दी नहीं मार दिया, मैं तो अभी हिला भी नहीं था अपनी जगह से। माने यार इसकी ऐसी की तैसी यार, सारा सत्यानाश कर देता है गेम प्ले का यार, इसकी पहन दी सीरी बगैरता। खैर गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों का मज़ा आएगा, अगर मज़ा आया तो यार जल्दी जाओ सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।